हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 12 मार्च एंड टाइम अभी हो रहा है 5:40। तो आज हमें क्रॉस करना है अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर एंड उसके लिए हमें लगेगा 12 से 13 घंटे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो 12 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही और ज्यादा ट्रैफिक है तो 13 घंटा से ज्यादा भी लग सकता है। तो अभी हम है कटनी में। कल रात को हम कटनी में हमने ऐसे ही एक छोटा सा होटल टाइप का ढूंढ के स्टे कर लिया था एंड अभी हम सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अभी तो 600 किलोमीटर ड्राइव करना है तो will all depend on road conditions कि कैसा है। अगर खाली मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं मैप पे देख रहा था, पूरा रास्ता ऑलमोस्ट NH ही रहेगा, नेशनल हाईवे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा ऐसे रोड का। बाकी लेट्स सी, फटाफट अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड उसके बाद रोड पे निकलते हैं। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं, फटाफट निकलते हैं और थोड़ा लेट हो गया है, वैसे 6:10 हो गया। वो चेकआउट करते करते टाइम लग गया है इसमें। भाई मच्छर कहाँ से घुस रहा है गाड़ी के अंदर, जो भी। ठीक है, चलते हैं अब फटाफट। गाइज हम कटनी से निकल गए थे और अभी शार्डोल आएगा, बट बीच में थोड़ा खराब रोड का स्ट्रेच है। यहाँ पे पहले भी एक जगह पे बहुत खराब था, उसके बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आया था वहाँ पे भी, उसके बाद भी थोड़ा खराब ही था रोड और अभी भी थोड़ा खराब ही चल रहा है। गड्ढा गड्ढा हो रखा है, देखो ट्रक वगैरह भी बहुत धूल धूल उड़ रहा है। गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड का। वही तो पूरा मतलब ये भाई रोड आपको एकदम, मतलब कोई डांस नहीं करता है ना तो उसको भी डांस करा देगा एकदम। डिक्चिक 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 होके खाली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बाउंस होके जाओगे। कंस्ट्रक्शन शायद इसका एक बाईपास रोड बना रहे हैं जिसके लिए ये डायवर्शन, पुराना रोड है ये। हाँ ये चल ही रहा है मगर इसका एक बाईपास बना रहे हैं। हाँ वही हाल है। आई थिंक दिस रोड माइट नॉट गेट यूज्ड इन अ लेटर स्टेज बट अभी तो यही है। अभी देखो गाइस इसमें दिखा, एज पर दिस हम 11 घंटे में पहुंच जाएंगे 6:42 तक। हमने स्टार्ट करा था जब, तब वो 7:30 कुछ दिखा रहा था एंड अभी ये 6:42 दिखा रहा है, तो मतलब टाइम तो कम हो ही रहा है। और हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 262 किलोमीटर्स जब बचेगा तब तक हम ड्राइव कर लेते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 8:35, ये देखो, और हम शेड्यूल पहुंच चुके हैं एंड अभी हमको 9:55 और ड्राइव करना पड़ेगा संबलपुर पहुंचने के लिए। तो शेड्यूल हम पहुंचे अभी कितना, 131 किलोमीटर ड्राइव करके। कहाँ से ड्राइव कर रहे थे, कटनी से ड्राइव करके 131 किलोमीटर पड़ा हमको शेड्यूल और अब 461 और ड्राइव करना है। सो गाइज थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है, पापा को भूख लग गया तो अभी हम एक साइड में स्टॉल पे इडली कुछ खाएंगे, देखते हैं। पापा गए हैं देखने के लिए कि कुछ है या नहीं है खाने के लिए। तो गाइज अब हम स्विच कर रहे हैं पापा और मैं, और अभी आगे बिलासपुर तक पापा ड्राइव करेंगे। बिलासपुर के बाद, हाँ अभी नेक्स्ट मेन टाउन बिलासपुर ही आएगा, फिर उसके बाद वहां से हम संबलपुर ड्राइव करेंगे। सलाद जिसमें कि पहले इडली और जो बड़ा जो दिया था सांभर भी इतना टेस्टी था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इडली बड़ा के साथ उसमें कुकुम्बर और ऑनियन का सलाद भी दे रहा है। उसके ऊपर टॉपिंग कर रहे, वो यही तो फायदा होता है। आप कहीं जाओ तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करो क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों का टेस्ट पता चलता है उस एरिया का। अब जैसे संबलपुर में या उड़ीसा में आप इडली खाओगे ऐसे स्ट्रीट फूड तो वो सिर्फ सांबर और वो व्हाइट वाला चटनी, नारियल चटनी देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे एमपी में, शेड्यूल एमपी में पड़ता है तो यहाँ का टेस्ट जो है लोगों का वो देखो कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे लोग उसके ऊपर कुकुम्बर और ऑनियन अनियन भी डाल के खाते हैं बेसिकली। चले पापा चले। Thank you.
गाइस फाइनली हमें अच्छी रोड मिल गई है। वी आर ऑन रूट टू बिलासपुर। अभी हमको 20 किलोमीटर लगेगा और अभी रोड काफी बेटर है। वहाँ पे तो एकदम डिच्ची डिच्ची को के बाउंस करते करते आए हम इतनी देर, मतलब कम से कम हमने 3.5-4 घंटा हमने बाउंस कर करके गवाया। उसके ऊपर अभी 2 घंटे से हम पहाड़ों में से ऐसे ऐसे करके निकल के आ रहे थे। घाटी थी। और बिलासपुर फेमस किस चीज के लिए? ये एक छत्तीसगढ़ का एक इम्पोर्टेंट टाउन है, इंडस्ट्रियल है ये, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल है। एक्चुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम छत्तीसगढ़ जब बना था तब एक्चुअली इसको सोचा गया था कि कैपिटल बनाने के लिए। अच्छा। मगर फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, रायपुर को ही कैपिटल बनाया जाएगा। बट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउनशिप ऑफ बिलासपुर, सॉरी छत्तीसगढ़। तो मतलब उड़ीसा में जैसे कटक और भुवनेश्वर वाला सिनर्जी है, वैसा टाइप का है ये बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली देखोगे तो तीन या चार इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं। रायपुर है, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा भिलाई। अच्छा। भिलाई मेनली इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। सो ये जो दो तीन है, बाकी और भी बहुत सारे टाउन्स हैं, मगर जो प्राइम इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं तीन है। इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल हब्स। अच्छा। रायपुर इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल हब। अच्छा। प्लस आज की डेट पे अभी एजुकेशनल हब भी हो गया है, जैसे कि IIM हो गया है। हाँ, वो सारे चीज़ें आ चुके हैं। तो IIM एंड मोस्टली यू विल फाइंड द एयरपोर्ट ऑल्सो, एयरपोर्ट इज देयर इन रायपुर। अच्छा अच्छा। बट धीरे धीरे अभी आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। भिलाई में शायद एक स्टील प्लांट भी है। स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड का वो स्टील प्लांट है, एंड इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अच्छा। तो हम एक काम करते हैं, फिर लंच यहीं कर लेते हैं, बिलासपुर में कर लेते हैं। बिलासपुर में करेंगे, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। हाँ। और उसके बाद फिर बाकी संबलपुर तक मैं ड्राइव करूँगा। तो गाइज अभी फाइनली लास्ट पेट्रोल फिल हमने करवा दिया है, इसके बाद अब संबलपुर 300 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब फटाफट निकलते हैं, पहले खाना खाएंगे। थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गए थे, 2-3 चीजें और देखने लग गए थे हम यहाँ पे बिलासपुर में, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। क्लच थोड़ा टाइट करवाना था गाड़ी का, मेरे को लूज लग रहा था तो वो टाइट करवाया था थोड़ा बस। बाकी फटाफट अभी लंच करेंगे हम और अभी निकलेंगे। तो गाइज यहाँ से संबलपुर 240 किलोमीटर है और अभी 2:35 हो रहा है। अभी हम खाना के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे हम यहाँ से। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम 6:30-7 तक ही पहुँच पाएंगे। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या कि हमें कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा मिला ही नहीं। फिर हमने सोचा कि चलो निकलते हैं, पापा कहते कि निकलते हैं कि रास्ते में कुछ मिलेगा तो देखते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक ढाबा मिला है, यहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:10 और हम निकल चुके हैं। अभी अपने को लगेगा और 230 किलोमीटर्स गूगल मैप्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 5 घंटा लगेगा। 5 घंटे के हिसाब से 8:15 पे हमें पहुंचना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि हम 7:15 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब और हमें ब्रेक नहीं लेना है। एंड गूगल मैप्स हमेशा लॉन्ग ट्रिप में 1 घंटा प्लस करके चलता है। उसका AI बेसिकली कैलकुलेट कर लेता है कि एक लॉन्ग जर्नी में लोग ब्रेक लेते ही लेते हैं, तो वो उस हिसाब से 1 घंटा प्लस करके चलता है। तो मेरे हिसाब से हमें 7:15 तक पहुंच जाना चाहिए। रोड अभी तक तो एवरेज है, ठीक है, नथिंग टू गुड, नथिंग टू बैड, बाकी देखते हैं। बोलो लुकोटा, पुओटा के हेल्प करती अदर पापा के कैसे की ब्लॉग बनो, पापा बोलती बोले तो फिर पुओटा एडिटिंग फेडिटिंग सब कर देती, तार लगी हटा भी बताती।
तारंगढ़ और है 22 किलोमीटर। डालो तो ठीक है। देख रहे हो गाइस, ये जो थोड़ा थोड़ा वेपर्स निकल रहा है ना, ये होता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो गाड़ी को। गाड़ी के ब्रेक्स एकदम गर्म हो गए थे। तो अभी गाइस जैसे आपने देखा कि गाड़ी के ब्रेक्स एकदम हीट हो गए थे, धुआं हुआ निकलना स्टार्ट हो गया था। तो इसी चीज पे ना मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, पापा शायद आपको ये पता होगा। फॉर्मूला वन कार्स जो होती है ना, उनका जो ब्रेकिंग का सिस्टम होता है, उनको तो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक्स चाहिए होते हैं, राइट? तो इसलिए उनके इतने हाई क्वालिटी ब्रेक्स होते हैं कि वो 1000 डिग्रीज तक का हीट विदस्टैंड कर सकते हैं। तभी तो उनका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर्स उनके सारे स्पेयर्स कंपोनेंट्स में और इवन टायर्स में भी वो लोग सारा चीज देखा जाता है। एग्जैक्टली। ऑल्सो अगर आप कोई लंबा रोड ट्रिप पे हो और आपका ऐसा साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कुछ चिपक गया है आपके टायर के साथ, या फिर आपने वो टॉय कार चलाई होगी जो पहले ऐसे खींच देते थे फिर छोड़ देते थे, वो टक 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 टर टर करके आगे बढ़ती रहती थी, वैसा टाइप का अगर साउंड हो तो आप एक बार ही अपने ब्रेक्स पे पानी डाल के चेक करना। अगर उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, भाप निकल रहा है उसमें से, तो इसका मतलब आपके ब्रेक्स गर्म होके चिपक गए हैं आपके ब्रेक प्लेट के साथ। तो आप थोड़ा रेस्ट दे दें गाड़ी को अगर दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते हैं रेस्ट, तो फिर ऐसे गाड़ी चलाएं, मॉडरेट स्पीड पे चलाएं, थोड़ा स्लो स्पीड पे चलाएं, ताकि ब्रेक्स पे हवा लगते रहे और ब्रेक्स ना दबाएं तब तक। तो अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे हैं तो आप ये टिप यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 7:20। हम हैं संबलपुर से 43 किलोमीटर्स दूर। मैं बस आपको ओरिसा का रोड कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। देखो कितनी प्यारी रोड है, मतलब एज इफ जस्ट अभी अभी ही, मतलब फ्रेशली बनी हो, मतलब जस्ट फ्रेशली आउट ऑफ द ओवन टाइप्स। बाकी जितना भी मैंने अभी तक ड्राइव किया, मेरे को बेस्ट 3 रोड्स लगा। एक था बुंदेलखंड हाईवे, दूसरा था आगरा लखनऊ हाईवे, एंड थर्ड ये ओरिसा के नेशनल हाईवे। मतलब दिस इज लाइक, मतलब शेयर ड्राइविंग प्लेजर। कोई बम्प्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ प्लेन रोड, एकदम प्रॉपरली डिवाइडर्स हैं, स्ट्रीट लाइटिंग है, सब कुछ। इफ यू कम टू ओरिसा, कम बाय कार एंड आई स्वेयर यू विल एंजॉय द रोड सो मच। मतलब इजिली 120 तक, मैं उसके ऊपर तो नहीं जाता हूँ, 100-120 ईजिली मैं आई कैन ड्राइव। हे गाइस, तो हम घर पहुंच चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30, एंड हमने ऑल इन ऑल टोटल 1447 किलोमीटर 1447 किलोमीटर्स ड्राइव करा 2 दिन के स्ट्रेच में। तो प्लीज़ भाई, इस ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, जो जो कर सकते हो कर दो भाई इस ब्लॉग के साथ, बस वायरल कर दो भाई, ठीक है? बहुत मेहनत करी है, बम बहुत दुख रहा है भाई मेरा, पूरा 2 दिन बैठ के चलाया है, बहुत दुख रहा है बम भाई मेरे टूटे हुए बम के लिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, और भाई प्लीज़ ये वीडियो वायरल कर दो। ओवर एंड आउट, पीस आउट।